गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स के बारे में आप लोग अभी तक क्या पढ़े हो, दैट एवरी पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस ग्लोब इज एन ऑब्जेक्ट, एंड इफ यू आर जस्ट सिंपली पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट, यू आर पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट और यू आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम आप ढकेलते हैं इसको या फिर अपनी तरफ खींचते हैं, तो आप इस पे क्या कर रहे हो, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो। सो द पुशेज एंड द पुल्स विच आर बीइंग अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स, ओके। एंड एवरी फोर्स हैज़ गॉट अ डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स को आप ढकेल रहे हो, पुश कर रहे हो इस साइड से खड़े होके, या फिर अपनी तरफ पुल कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट और पुलिंग द ऑब्जेक्ट, दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज फोर्स। एंड एवरी फोर्स हैज़ गॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए, आप ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहे हो, वेस्ट की तरफ फोर्स लगा रहे हो, नॉर्थ की तरफ फोर्स लगा रहे हो, साउथ की तरफ फोर्स लगा रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, अपने से दूर भेज रहे हो, तो एवरी फोर्स हैज़ गॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स, ओके। जस्ट लाइक यू आर पुलिंग द डोर, अगर आप किसी डोर को अपनी तरफ खींचते हो, यू आर पुलिंग द डोर टूवर्ड्स इट्सेल्फ, टूवर्ड योर सेल्फ, तो आप बोल सकते हो ना कि जो आप फोर्स लगाए हो, द फोर्स हैज़ गॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप अपनी तरफ फोर्स लगाए हो, आप दरवाजे को बाहर की तरफ खोलते हो, अगर बाहर की तरफ खोले तो दरवाजे को अपने से दूर ढकेले, तो आप उस केस में क्या करते हो, यू आर जस्ट पुशिंग द ऑब्जेक्ट। आप क्या करते हैं, यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट, उसका भी डायरेक्शन है, यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू, ओके। आपको पेन को खींचना है, पेन को ढकेलना है, या फिर आपका पानी का ग्लास जो भरा हुआ है, पानी का जो बॉटल है उसको उठाना है, उसको कहीं फेंकना है, ठीक है। तो एवरी पुश एंड पुल इज कॉल्ड एज फोर्स एंड इट हैज़ गॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे आप मान लीजिए, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर को नापा गया, अगर आपके बॉडी को टेम्परेचर को नापा गया और टेम्परेचर आया 36 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आप देखिएगा क्या, इसमें दो क्वांटिटी है, एक नंबर का पार्ट है और एक अल्फ़ाबेट का पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप नंबर देखते हो और अल्फ़ाबेट देखते हो, तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। दिस न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड एंड दिस अल्फाबेटिकल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज यूनिट, ठीक है। सिमिलरली आप किसी चीज़ को मेजर करते हो, मान लीजिए किसी चीज़ का मेजरमेंट है 5 मीटर, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, 5 इज द मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड m क्या है, m इज द यूनिट इन विच इट इज़ बींग मेजर्ड। आप किसी चीज़ के लेंथ को आप ऐसे थोड़ी बोलिएगा कि ये 5 है, बस 5 नहीं ना बोल सकते कि ये बस 5 है, आप 5 मीटर बोलिएगा, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ यूनिट अप्लाई किया जाता है। टेम्परेचर आपके बॉडी का 36 थोड़ी बोल दीजिएगा, 36 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिएगा, ठीक है। अगर समय को मेज़र करना है तो आप मान लीजिए बोले 2 घंटा, 2 आवर, ऐसे थोड़ी बोल सकते कि बस 2 हुआ है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड का ज़रूरत होता है, दैट मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ एक यूनिट अटैच होता है, ठीक है। वो स्पेसिफाई करता है किस चीज़ को मेज़र किया जा रहा है, मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करता है कितना मेज़र कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से क्या पता चलता है कितना मेज़र कर रहे हैं, और जो यूनिट है उससे पता चलता है किस चीज़ को मेज़र किया जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों की ज़रूरत पड़ता है। तो सिमिलरली फोर्स को भी मेज़र करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। तो सपोज आप एक ऑब्जेक्ट को ढकेले, यू आर पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को जब आप पुश कर रहे हो तो आप ऐसे थोड़ी बोलेगा कि हम बस 5 से ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, या फिर 10 से ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, या फिर 15 से ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। लोग पूछेंगे 5 क्या है, 6 क्या है, 10 क्या है,
ठीक है। तो बताने के लिए कि हम ऑब्जेक्ट को जो पुश कर रहे हैं वो कितना क्वांटिटी लगाएं, क्या लगाए हैं, फाइव, बस हम ऑब्जेक्ट पर फाइव किए, फाइव लगा दिए, ऐसे नहीं बोल सकते कि हम बस ऑब्जेक्ट के ऊपर फाइव लगा दिए या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 10 लगा दिए। तो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट को हम 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। न्यूटन, न्यूटन डिनोटेड बाई सिंबल n। आप पूरा न्यूटन नहीं लिखिएगा, अगर आप n लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, ठीक है। तो अगर आप बोले कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि 10 न्यूटन पूरा लिखिएगा, क्या लिखिएगा, बस 10 n। n मतलब क्या हुआ, n मींस फॉर न्यूटन, और कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 10 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड n इज़ द यूनिट विच स्पेसिफाइज दैट कि आप एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो SI यूनिट क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया आपका, न्यूटन डिनोटेड बाय n। ओके, सो आज आप क्या पढ़े कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ढकेला जा रहा है या अपनी तरफ खींचा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है या फिर अपनी तरफ पुल किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फोर्स बोलेंगे। चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप कार को, बस को, ट्रक को, ट्रेन को, एरोप्लेन को, घर को, छोटे से ईंट को या फिर एक पेन को, किसी भी चीज़ को ढकेलते हो, आप ढकेल पा रहे हो या नहीं आप उसको ढकेल पा रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू पुश दैट ऑब्जेक्ट, आप उस ऑब्जेक्ट को हिला पा रहे हो या फिर नहीं हिला पा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट देन यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, ठीक है। इफ़ यू आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट, यू आर जस्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, ठीक है। फोर्स जैसे हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट का ज़रूरत होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मीन्स द थिंग विच विल स्पेसिफाई कि आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो या फिर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो या फिर आप टाइम को मेज़र कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही फोर्स को भी मेज़र करने के लिए एक यूनिट का ज़रूरत है, और वो यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक। तो आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो 10 क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हुआ, एंड न्यूटन इज़ द यूनिट, न्यूटन इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल N, ओके, एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। तो विल कीप द थिंग्स टिल हेयर ओनली इन टूडेज वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल प्रोसीड मोर फर्दर, एंड वॉट्स एवर यू विल गेट इन योर होमवर्क यू कैन फेयर इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक कॉपी, ओके, थैंक यू। And the things which you will have in doubt, you can ask in the online class.